हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। बेटा, लास्ट वीडियो में हमने 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किए थे, ठीक है। और आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 एक्सरसाइज 12.2 के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है बेटा। तो देखो कैसे फोर्थ क्वेश्चन देखे, अच्छा क्वेश्चन है ये। वो क्या कहना चाह रहा है देखो, द बेस ऑफ द कार ऑफ द डायमीटर इज 80 सेंटीमीटर। कार का एक व्हील है जिसकी डायमीटर आपको दे रखी है 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाती है मेरी 40 सेंटीमीटर। अब इसमें मुझको क्या करना है, इन हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच मेक ईच व्हील मेक 10 मिनट्स। वो कह रहा है टाइम, इट मींस 10 मिनट्स में आपको क्या चाहिए नॉर्मली, कि भाई 10 मिनट्स में वो कितने रिवॉल्यूशन घूमेगा, ठीक है। इफ द कार ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ, अगर उसकी जो स्पीड है वो 66 किलोमीटर पर आर है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये देखो सर, क्वेश्चन में हमें दिक्कत आती है कि ये स्पीड क्यों दी हुई है या क्या पूछना चाह रहा है वो, ये प्रॉब्लम बच्चे को आती है। सबसे पहली बात देखो, इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि स्पीड पर ही डिपेंड है। स्पीड जितनी ज्यादा जितनी हल्की होगी उतने ही कम रिवॉल्यूशन होंगे, और अगर स्पीड ज्यादा तेज होगी जितनी तेज होगी उतना ही ज्यादा रिवॉल्यूशन होने वाले हैं। तो हम देखते हैं, देखो स्पीड से ही हम इसको करेंगे। अगर मैं पहले मैं स्पीड को ही करता हूं, 66 किलोमीटर सेंटीमीटर में चेंज करना है, क्योंकि हमारा क्या है कि जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में अपॉन, यहां मिनट में पूछा हुआ है तो आर को मिनट में बदलो, कर दिया, ठीक है जी। तो 10 से 10 कैंसिल आउट, 6 से काटेंगे 11, तो 110000 ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट। ये मेरा 1 मिनट की बात है कि 1 मिनट में इतने सेंटीमीटर कवर अप कर रहा है, सॉरी। लेकिन हमसे वो पूछ रहा है 10 मिनट्स में, तो स्पीड इन 10 मिनट्स, तो 10 × 110000 सेंटीमीटर पर इतने मिनट, इतने सेंटीमीटर वो मेरा 10 मिनट्स में चल देगा, ठीक है, क्लियर है बात। यानी कि ये मेरा टोटल डिस्टेंस आ गया, ध्यान रखिएगा, टोटल डिस्टेंस 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर चल देगा। अब ध्यान से देखो, ये मेरा व्हील है, ये व्हील की क्या चीज है जो बार 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 रोटेट हो रही है, दैट इज ओनली कॉल्ड सर्कमफेरेंस। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन वन राउंड या वन रेवोल्यूशन, विच इज किसके बराबर होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील के, इट मींस 2 × π × r, इट मींस 2 × π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 40 सेंटीमीटर। वो कह रहा है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने, तो ध्यान रखिएगा जब भी हमें नंबर ऑफ समथिंग चाहिए होता है तो मैं बड़ी चीज को छोटी चीज से डिवाइड करता हूं, डिस्टेंस को कंपेयर कर रहे हैं, तो बड़ा डिस्टेंस क्या है ये वाला है, और ठीक है छोटा डिस्टेंस मेरा ये वाला है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस इन वन रिवॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1, 1, 0, 0, 0, 0 अपॉन 2 × 22 × 7, क्योंकि नीचे का 7 ऊपर पहुंच गया, × 40, 10 से 10 गया, ये हो जाएगा 22, 5 से 110 और 3 0, ठीक है। अब कंडीशन आपके पास आ गई, 5000 × 7 / 2 × 4, 2 से काटोगे
250 और फिर 4 से काटोगे ये हो जाएगा 4 6 24 बचा 125 तो रिवॉल्यूशन कितने आने वाले हैं 625 मल्टीप्लाई 7 तो 75 का 35 372 का 14 और 317 176 का 42 43 यानी कि टोटल इतने रिवॉल्यूशन आएंगे ध्यान रखिएगा बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस में कुछ नहीं है बस ये है कि आप लोगों को पता नहीं क्यों डर लगता है इतना कि सर हमें तो डर लग गया सर हमें समझ में नहीं आ रही बात क्या कहना चाह रहा हूं बहुत इजी सा क्वेश्चन होते हैं अब बात करते हैं बेटा जी अगले क्वेश्चन की ठीक लास्ट क्वेश्चन है जैसे बहुत छोटा सा ही क्वेश्चन है कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है तो देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है वो टिक द करेक्ट आंसर इफ द फॉलोइंग जस्टिफाई योर आंसर इफ द पैरामीटर इन द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल तो रेडियस बता दीजिए वो कह रहा है कोई एक सर्कल है मुझे नहीं पता सर्कल क्या है ये रेडियस है वो कह रहा है इसकी पैरामीटर और एरिया दोनों बराबर है पैरामीटर क्या होता है 2πr पाई आर स्क्वायर इससे ये गया एक आर से एक आर गई तो आर की वैल्यू क्या गई 2 units ठीक है बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपका यहाँ पर आपकी 12.1 कंप्लीट होती है अब चलते हैं हम जरा 12.2 की तरफ तो 12.2 को बहुत ध्यान से समझिएगा बिकॉज वहां पर आपके क्वेश्चन जो दूसरे फॉर्मूले हैं बाकी दोनों फॉर्मूले एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर वो यूज होने वाले हैं ठीक है बेटा तो देखो यहाँ पर 12.1 का भी क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम देखते हैं वो कहना क्या चाह रहा है क्या कह रहा है बहुत इस चैप्टर को बहुत आराम से करना है क्योंकि इसमें बड़े क्वेश्चंस और छोटे क्वेश्चंस दोनों तरीके के क्वेश्चंस बन जाते हैं तो बहुत ही आराम से इजीली तरीके से करते चलेंगे है ना तो देखो 12.1 फर्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है देखो द एरिया फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल हूज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर एंड द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री बहुत इजी सा क्वेश्चन है कोई ज्यादा हार्डनेस नहीं है इसमें ठीक है क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहा है एक सर्किल है इसमें एक सेक्टर का एरिया आपको निकालना है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है और थीटा बराबर 60 डिग्री है ठीक है यहां पर सब कुछ आपको दिया गया है सिंपल आपको निकालना है थीटा की वैल्यू 60 है आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा फॉर्मूला तो ये हो जाएगा 60/360 × π 3.14 × 6 × 6 ये 6 जा गया 1 6 से 1 6 कट गया 3.14 × 6 सिंपल है एरिया ऑफ सेक्टर आपका निकल गया देखो क्वेश्चन को करने के तरीके होते हैं सबसे मेन जो प्रॉब्लम बच्चे को आती है क्वेश्चन क्यों नहीं होता उससे क्योंकि उसको फॉर्मूला गलत प्रूव कर दे वो कई बार फॉर्मूला गलत लगा जाता है वो क्यों गलत लगा जाता है क्योंकि उसको फॉर्मूला ही याद नहीं होता तो फॉर्मूला याद रखने का बहुत सिंपल सादा तरीका है कि जिस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला आपका यूज हो रहा है उसको लिख लो अपने आप याद हो जाएगा रट्टा मारने की जरूरत नहीं अपने आप हाथ पे आ जाएगा वो चीज ठीक है ना तो ऐसे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है सेकंड क्वेश्चन देखा वो कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल हूज सर्कमफेरेंस इज 22 वो कह रहा है आपको सेकंड क्वेश्चन में सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछ रहा है अब सबसे पहले तो देखो क्वाड्रेंट होता क्या है ये मेरा सर्कल है क्वार्टर उसको चार पार्ट में इक्वली पार्ट में बांटोगे तो 90 90 90 और 90 ये मेरा बैठता है क्वाड्रेंट ठीक है तो सबसे पहले मुझको इसकी रेडियस चाहिए क्योंकि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट थीटा मेरे पास है रेडियस चाहिए रेडियस कहां से निकलेगी सर्कमफेरेंस से तो यहां पर क्या है देखो वी सी बराबर 22 सेंटीमीटर सी क्या बैठेगी 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर
2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस निकाल लिए बराबर 22, रेडियस को पकड़ लो 22, ये 7 डिवाइड में इधर आके इंटू हो जाएगा और ये 2 इंटू 22 इंटू में तो ये आके डिवाइड हो जाएगा और आंसर आपके रेडियस क्या आ गई 7.7 अपॉन 2। अब रेडियस आपके पास है, थीटा 90 है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, सीधा फॉर्मूला लगाओ और आंसर लाओ। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या बनेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इट मींस 90 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 7 अपॉन 2, ये कट गया 4 जा, ठीक है 7 से 7 गया, ये 11 हो गया। अब आपके पास बचता क्या है, 11 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 2, नाउ यू कैन सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो मुझसे क्या पूछ रहा है वो देखो, वो कह रहा था लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्क्वायर्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। देखो वो ये कह रहा है ये क्लॉक है, ये आपकी मिनट हैंड है 14 सेंटीमीटर, ये 12 पे है, वो कह रहा है 5 मिनट में वो कितना एरिया स्वेप कर लेगी, ये 5 मिनट में ये एरिया आपको निकालना। तो इसके लिए सबसे पहले थीटा चाहिए, तो थीटा कैसे बनाएंगे, देखो एक चैप्टर होता था पहले छोटी क्लासेस में पाई चार्ट, इसमें हम सेंट्रल एंगल निकालते थे, यहां पर भी हम सेंट्रल एंगल ही निकालने वाले थे। कैसे, 5 मिनट्स है, टोटल मिनट्स कितना घूमेगी 60 और टोटल एंगल कितना होता 360, ये गया 6 है और एंगल कितना बन गया 30 डिग्री, ठीक है बेटा। तो मेरे पास क्या बन जाती है, अब मुझको क्या निकालना है, एरिया ऑफ एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड बराबर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा है कितना 30 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 14 मल्टीप्लाई 14 120 आ गए, ठीक है, और 12 आ गए, सॉरी 12 आ गए, 7 2 जा 14, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, जितना शॉर्ट कर सकते हो क्वेश्चन को उतना शॉर्ट कर लो, 154 अपॉन 3 और आंसर आपके पास 3 से कटते हैं 5 1.3, तो 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आपको ये चीजें करनी है, ठीक है बेटा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक ये डिस्कस कर पाऊंगा, अगली वीडियो में हम इसका आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या बनता है, ठीक है बेटा, ओके थैंक यू।